नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेलवे घटा चक्र मैथ, जिसके अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। साथियों, इसके हम 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 8 क्लास के अंदर हमने 175 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इन क्लासों को नहीं देखा है तो पहले आप इन्हें देख लें। कहाँ से देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर मैंने इनका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, आज हमारी क्लास 9 होगी और क्वेश्चन नंबर होगा 176। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास 9 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 176। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 176 क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दिया है, भजन सिंह ने 120 रिम कागज़ 80 रुपये प्रति रिम की दर से खरीदा। कितनी रिम खरीदी? 120 रिम खरीदी और 80 रुपये प्रति रिम की दर से खरीदा, यानी एक रिम की कीमत कितनी? 80 रुपये। आय क्या था? उसने 280 रुपये ढुलाई के लिए खर्च किए, चुंगी के 40 पैसे प्रति रिम की दर से दिए तथा 72 रुपये कुली को दिए। यदि वह 8 पैसा लाभ अर्जित करना चाहता है तो प्रति रिम की बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए? प्रति रिम की बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले मुझे 120 रिम का भाई क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य जब निकल आएगा तो आसानी से हमारी उसकी कीमत भी निकल आएगी, बिक्री कीमत भी। तो आप देखेंगे 120 रिम खरीदी है, 120 रिम, एक रिम की कीमत 80 रुपये, तो बताना 120 रिम की कीमत कितनी हुई, यानी 80 से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 9600 रुपये, ठीक है, 9600। आगे क्या कहता है, उसने 280 रुपये ढुलाई के लिए खर्च किए। 120 रिम पर उसने 280 ढुलाई के लिए खर्च किए, यानी कि 280 और ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। फिर कहता है, चुंगी के 40 पैसे प्रति रिम की दर से दिए, यानी कि एक रिम पर उसने 40 पैसे दिए, तो बताना 120 रिम पर कितना दिया होगा, चुंगी के लिए कितना दिया होगा, यानी 120 × 40 ये होगा। लेकिन हमारे रुपये, ये हमारा पैसा, ये हमारा क्या पैसा है, ये हमारे रुपये, तो इसे भी हमें किस में चेंज करना होगा, रुपये में चेंज करना होगा, यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे भाई, ये दो जीरो कैंसिल और 12 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 48 रुपीज़ उसने चुंगी के लिए दिए, कितने 48 रुपीज़। तो आप 48 और ऐड कर देंगे। उसके बाद उसने कुली को जो दिए कितना दिया, 72 रुपये, तो 72 और ऐड कर देंगे, यानी कि 120 रिम की कुल कीमत जो पड़ेगी वो ये हो, ठीक है। 8 × 2 = 10, 7 × 4 = 11, 11 × 8 = 19 और 1 = 20, 2 × 2 = 4 × 6 = 10, 9 = 10, यानी कि 120 रिम की जो कुल कीमत है वो कितनी होगी, 10,000 होगी। क्या होगी? 10,000। यही हमारा क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब कोई दिक्कत नहीं, हमें क्रय मूल्य मालूम पड़ेगा कितना होगा, 10,000। अब ये कह रहा है को 8% लाभ अर्जित करना चाहता है, कितना 8% का, तो बताना सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते भाई, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, कॉस्ट प्राइस यानी कि 10,000 इंटू क्या हो रहा है, प्रॉफिट बेचना है 8% पर, तो क्या करेंगे, 8 पर है तो 108 हो जाएगा अपॉन 100। बेसिक फार्मूला भाई पता होना चाहिए आपके लिए। आप देखेंगे दो जीरो कैंसिल हो गए, यानी कि सेलिंग प्राइस जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 108 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10,800 रुपये हो गए, कितना 10,800। 120 रिम कितने में खरीदा, 10,000 में खरीदा, कितने में बेच रहा, 10,800 में बेच रहा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा प्रति रिम की बिक्री कीमत, यानी एक रिम की कीमत निकालनी है। तो आप देख रहे हैं 120 रिम की कीमत, यानी बिक्री मूल्य जो है वो कितना है, 10,800। एक रिम का निकालना, तो क्या करेंगे, इस 10,800 में हम 120 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक रिम की कीमत निकल आएगी भाई, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 × 108, यानी कि 90 रुपये प्रति रिम इसके क्या होगी कीमत, कितना 90 रुपये। तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल हार्ड नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा आपका 177, ठीक है, और ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भैया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कैसे करेंगे भाई, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 177। ये दिया, जब 20% लाभ पर बेची जा रही किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है, 20% लाभ पर बेची जा रही किसी वस्तु पर 10% छूट दी जाती है, तो विक्रय इकाइयों की संख्या दोगुनी हो जाती है, पूर्व लाभ एवं नए लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखना, हमें कॉस्ट प्राइस तो दे नहीं रखा भाई, क्रय मूल्य तो दे नहीं रखा, क्वेश्चन के अंदर भाई लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य यहाँ पर पता नहीं, तो आपकी इच्छा कुछ ही मान लो। मैं क्रय मूल्य कितना मानता हूँ, हमेशा 100 मानता हूँ, आप ध्यान से समझना, क्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया, 100। अब इससे 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, कितने पर, 20% लाभ पर, तो बताना सेलिंग प्राइस कितना हुआ। अगर क्रय मूल्य 100 है,
20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है 20% लाभ पर बेची जा रही, 20% लाभ पर बेची जा रही किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। अब इस पर 10% की छूट दी जा रही है, तो आप देख रहे हैं 120 पर 10% की छूट कितनी होगी, कितनी होगी भाई, 10% इसका निकाल लेंगे, यानी कि 12 रुपये क्या होगी, 12 रुपये क्या होगी, छूट होगी। अगर 12 रुपये छूट होगी तो बताना नया जो विक्रय मूल्य होगा, नया जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, यानी कि 120 में से 12 माइनस कर देंगे, यानी नया विक्रय मूल्य कितना होगा, 108 रुपये होगा। बिल्कुल सही है भाई, 120 पर 12 की छूट, तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा, 108। अब इसने पूछा पूर्व लाभ एवं नए लाभ का अनुपात, तो पूर्व लाभ एवं नए लाभ, तो यहाँ लिख देता हूँ पूर्व लाभ और नए लाभ का अनुपात, ये निकालना हमारे लिए। क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे लाभ कैसे निकालते भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस आपका 120, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, तो पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, आप देख रहे हैं 120 में 100 माइनस करेंगे यानी कि 20 का प्रॉफिट हो रहा था। अब कितने का हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस तो आपका वही है 100, लेकिन सेलिंग प्राइस चेंज हो गया, कितना होगा, 108। अब लाभ कितना हो रहा है, यानी 108 में 100 माइनस करेंगे, अब प्रॉफिट हो रहा है 8 का। क्वेश्चन के अंदर इनका रेशियो पूछा पूर्व लाभ एवं नए लाभ का, आप देखें 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, यानी कि 5:2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178, और क्वेश्चन नंबर 178 के अंदर भाई कुछ मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन में कुछ मिस है भाई इसमें ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 179, क्वेश्चन नंबर 179 कहता है एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपये में 25 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होते है, 1 शर्ट का क्रय मूल्य कितना है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, और कौन कौन से दो तरीके, कौन से वो ट्रिक होंगे, दोनों तरीके आपके ट्रिक हैं, क्या देखना ध्यान से समझें। 414 रुपये में, 414 रुपये में कितनी शर्ट बेच रहा है, 25 शर्ट बेचता है, 25 शर्ट बेच रहा है वो, ठीक है, बेचता है, और 25 शर्ट बेचने पर उसे 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब मुझे एक चीज बताना, 414 में कितनी बेच रहा है, 25 शर्ट बेचने पर उसे हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है, 7 शर्ट का जो भी क्रय मूल्य है, 7 शर्ट का जो भी क्रय मूल्य है उसके बराबर हानि हो रही है। इसका क्या मतलब, यानी कि इसने ज्यादा कम शर्ट खरीदी थी और ज्यादा बेच रहा है, भाई हानि कब होगी, कम शर्ट खरीद के लाए और ज़्यादा शर्ट बेच दे तो क्या होगी, हानि होगी। जैसे आप देख रहे हैं 414 में कितनी बेच रहा है, 25 बेच रहा है, तब उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, कितनी हो रही है, 7 शर्ट की। तो 414 में खरीद के कितना लाया होगा, यानी कि 7 कम खरीद के लाया होगा, तभी तो 7 की हानि हो रही है, यानी 7 कम खरीद के लाया, यानी 25 में से 7 माइनस करेंगे, यानी कि 18 शर्ट वो खरीद कर लाया होगा, कितनी, 18 शर्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और कितने रुपये में, 414। अब देखना 414 में 18 शर्ट खरीद के लाया और 414 में 25 बेच रहा है, तो बताओ हानि होगी कि नहीं होगी, कितनी हो रही है, 7 शर्ट की हानि हो रही है। अब आप यहीं से निकाल सकते हैं, हमें क्या पूछा, 1 शर्ट का क्रय मूल्य कितना होगा, 18 शर्ट का क्रय मूल्य कितना है, 414, तो 1 शर्ट का कितना होगा, आप देखिए 414 और डिवाइड बाई 18, हमारा क्या निकल आएगा, 1 शर्ट का क्रय मूल्य निकल आएगा। 18 से डिवाइड करेंगे, 18 से हो जाएगा 18 दो 36, 5 बचेगा 18 3 54, यानी कि 1 शर्ट का जो क्रय मूल्य है वो कितना, 23 रुपीज़ है। एक तो आपका ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, वो बहुत ही आसान है वो भी, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत समझने में आपको प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, 1% भी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर कैलकुलेशन है, और इस टाइप को पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो हानि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए सीधा सीधा, जैसे आप देख रहे हैं हानि कितनी हो रही है, 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर, हानि कितनी हो रही है, 7 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 7 शर्ट का क्रय मूल्य वो हमारी क्या हो रही है, हानि हो रही है। सीपी माइनस एसपी कितनी शर्ट बेच रहा है, 25 शर्ट बेच रहा है, यानी कि 25 शर्ट का क्रय मूल्य माइनस 25 शर्ट का विक्रय मूल्य, जितनी शर्ट बेचेगा
उतनी शर्ट का क्रेमुल पता होना चाहिए और उतनी शर्ट का क्या मालूम होना चाहिए बिक्रेमूल। 25 शर्ट बेच रहा है यानी कि 25 शर्ट का क्रेमुल माइनस 25 शर्ट का बिक्रेमूल बराबर क्या होगा 7 शर्ट के क्रेमुल के बराबर हानि। अब आप यहाँ पर क्या करें, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा माइनस का है ना, तो इसे ले आते हैं इधर प्लस का बनाने के लिए। तो आप देखें 25 SP बराबर, ये CP आपका कॉस्ट प्राइस, इसे ले आएंगे 25 की तरफ, तो 7 जब 25 की तरफ पहुंचेगा माइनस कर देंगे जो हो जाएगा 18 CP यानी कॉस्ट प्राइस। आप यहां से CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं या फिर SP और CP का। आप देखिए CP से इधर डिवाइड करेंगे तो SP/CP बराबर, इस 25 से इधर डिवाइड कर देंगे यानी कि 18 कितना हो जाएगा 25। आप देख रहे हैं ये हमारा सेलिंग प्राइस आया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा रेशियो निकल के आया। लेकिन ये एक शर्ट का क्रय मूल्य और एक शर्ट के विक्रय मूल्य का रेशियो निकल के आया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुई भाई? कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये एक शर्ट का क्रय मूल्य 25 है और एक शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है 18 है। अब हम यहाँ पर तुलना कर देंगे। तुलना कैसे करें, क्वेश्चन के अंदर आपको देखना होगा 25 शर्ट का 25 शर्ट का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 414 रुपये। हमें यहाँ से सबसे पहले एक शर्ट का विक्रय मूल्य निकालना होगा। एक शर्ट का आप देखिए कितना हो जाएगा 414 डिवाइड बाई 25। ये हमारा एक शर्ट का क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला। क्वेश्चन के अंदर बोला 25 शर्ट 414 रुपये में बेचता है यानी कि सेलिंग प्राइस है। एक शर्ट का सेलिंग प्राइस निकला 414/25 रुपये। आप देख रहे हैं एक शर्ट का क्रय मूल्य है और एक शर्ट का विक्रय मूल्य आपका ये। तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, ये आपका एक शर्ट का विक्रय मूल्य वास्तव में और रेशियो के हिसाब से कितना 18 यानी 18 की जो वैल्यू बनेगी, 18 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 414/25। आपको यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी होगी, 1 की वैल्यू निकले 415/25, 18 से भी इधर डिवाइड लग जाएगा यानी कि × 80। ये 1 की वैल्यू हमारी निकल आई। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन यहाँ पर मिस्टेक के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते, ठीक है, और ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई मेथड ये, ठीक है। एक शर्ट की हमारी कीमत निकल आई 1 की वैल्यू निकल आई, 1 की वैल्यू हमारी ये निकल आई। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हमारा 25 है, तो 1 की वैल्यू जो भी निकली यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 के अंदर। 1 की वैल्यू हमारी ये निकली, इसका मल्टीप्लाई कर दो 414 डिवाइड बाई 25 × 18। आप देखें 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 18 से आप इसे कैंसिल कर देंगे यानी 18 × 2 = 36 और 5 बचेंगे 18 × 3 = 54 यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकला 23 रुपये। तो वैसे एक तो आपका मेथड ही है, ठीक है, दूसरा मेथड वो जो मैंने आपको पहले बताया था। इस पर एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो हालांकि मुझे कमेंट कर देना। और वैसे एक क्वेश्चन इस पर और है आगे चल करके, तो और वहाँ पर आपको डाउट क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और दोनों मेथड बताऊँगा, ये वाला भी और जो पहले बताया था वो भी, बिल्कुल परेशान ना हो, बस आप मुझे कमेंट करके भाई ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, हालांकि वैसे आपने 8वीं जो क्लास थी आपने मेरी बात को माना और सपोर्ट किया और देखा भी है ना तो इसी तरीके से देखिए भाई, क्योंकि भाई आप लोग देखते हो कमेंट करते हो तो भाई मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को 20% हानि पर 5,500 रुपये में बेचा जाता है, यदि बिक्री पर 10% लाभ करना हो तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। तो देखना हमें क्रय मूल्य नहीं पता, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, क्रय मूल्य 100 मान लिया, तो बताना हानि पर जब बेचेगा तब विक्रय मूल्य कितना होगा और लाभ पर बेचेगा तब विक्रय मूल्य कितना। कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया 100 मान लिया, 20% हानि पर बेच रहा है, अगर क्रय मूल्य 100 है 20% हानि पर बेचेगा तो बताना हानि पर जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 20% हानि पर, यानी कि 100 में से 20 माइनस कर दें कितना 80 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या माना 100 माना, हानि पर बेच रहा है 20% पर, तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा 80 होगा। अब ये कह रहा है इसे 10% लाभ करना हो, 10% लाभ करना हो तो बताना सेलिंग प्राइस क्या होगा, लाल नहीं है भाई ये, लाल नहीं है लाभ है, ठीक है, प्रॉफिट है। 10% लाभ करना हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस तो वही है भाई 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मान लिया 100 मान लिया, ठीक है, 20% हानि पर हमारा सेलिंग प्राइस ये होगा और 10% लाभ पर सेलिंग प्राइस ये होगा। हमारे यहाँ से रेशियो बना सकते हैं, आप देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हानि वाले का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 8 हो जाएगा और प्रॉफिट वाले का जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 11। अब क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसकी वजह से आप एक बार कंपेरिजन कर दो, तुलना कर दीजिए। आप देख रहे हैं 20% हानि पर 5,500 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी हानि पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना 5,500 और हानि पर हमारा सेलिंग प्राइस कितना 8 है, यानी 8 की वैल्यू बन जाएगी 5,500। आप यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 5,500/8,
वन की वैल्यू हमारी निकल के आई। अब क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा जाए इस वन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे पूछा गया कि 10% जब लाभ कमाएगा तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारा प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस कौन सा 11 है, यानी इस 1 की वैल्यू का 11 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 11 × 5500/8। बस इसे हमें सॉल्व करना हुआ। तो आप देखेंगे कैंसिल हो सकता है क्या, कैंसिल हो जाएगा 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 1 बचेगा और 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी कि 2750 और भी कैंसिल हो जाएगा मुझे लग रहा, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है ना, हो जाएगा कैंसिल 2 से 4 बार, भाई क्या कर रहा हूँ मैं 2 से 4 बार कैंसिल हुआ और 2 से हो गया और भी कैंसिल हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो तो जाएगा लेकिन पूरा कैंसिल नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा। चलो 2 से 1 बार और कर दो, 2 बार और 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, 1 = 2, 7 × 14, 2 × 5 = 10, है ना। अब तो कैंसिल नहीं होगा भाई सर, अब कैंसिल नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर पॉइंट में आ रहा है क्या भाई सर? पॉइंट में है तो सही भाई, 2 ऑप्शन आपके पॉइंट में, तो कैलकुलेशन कर लीजिए। इस 11 को मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो आप देखो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 बचा, 7 और 3 = 10, 10 और 1 = 11 हो जाएगा, 3 और 1 = 4, 4 और 1 = 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगी, यानी कि 15125 डिवाइड बाई 2। अब आप भाई 2 से डिवाइड तो हमें करना ही होगा, तो आप देखेंगे 2 × 7 = 14, 1 = 11 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, फिर 1 = 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 4, देखना 7562.5, देखना भाई 7562.5 रुपीज़ कोई है, 7562.5 है भाई, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी भाई इसमें कैलकुलेशन जरूर है, क्वेश्चन आसान है पर, है ना, क्वेश्चन आसान है कैलकुलेशन जरूर है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें थी। चलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हमारा 181। ये कहता है एक सब्जी विक्रेता को, यही है ना, हाँ, एक सब्जी विक्रेता को एक सब्जी 40 रुपये से बेचने पर 40% की हानि होती है, सेलिंग प्राइस कितना उसका 40 है। तो पूछा तो उसी को 80 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप देख रहे हैं 40 में बेचने पर 40% की हानि हो रही है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लेस, फॉर्मूला भाई हमारा है। तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस हमारा दिया 40, कितना दिया 40 × 100/ कितने की हानि हो रही है, 40% की हानि होती है। हानि हो रही तो माइनस वाला साइन लेंगे, यानी 100 में से 40 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे आप देखिए 20 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 से आपका 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो आप देखिए ये हो जाएगा 200, यानी कॉस्ट प्राइस जो निकला 200/3। अब ये कह रहा है कितने बेच रहा है भाई साहब, ये बेचता है 80 रुपये में, तो पूछ रहा है कितना लाभ या हानि होगी। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हुआ 200/3, तो आप देखेंगे कितना हुआ ये 200/3, 3 × 18, यानी लगभग 66 रुपये होगा कॉस्ट प्राइस, लगभग में ऐसे अंदाजा करके दे ली 66 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना 80 रुपये, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका 80, कॉस्ट प्राइस आपका 200/3। इससे आप सॉल्व करेंगे 3 से 80 मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा, 240 में 200 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40/3 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आंसर चाहिए हमें परसेंट में, आंसर चाहिए परसेंट में, तो कोई बात नहीं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फार्मूला भाई। तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना आया 40/3 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, आप देख कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 200/3 × 100, ठीक है। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर हो गया हमारा 40/200 × 100, ठीक है। 40 आपका कैंसिल हो गया 5 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा आपका 20 बार, यानी कि 20% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये आपका भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं था, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो प्रैक्टिस को भाई जारी रखें अपनी, है ना, प्रैक्टिस को जारी रखें, एक भी दिन आपको लापरवाही नहीं करनी है जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है तब तक, है ना, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है भाई, लापरवाही करोगे तो खुद का नुकसान करोगे भाई। सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखें 182।
सामने लकड़ी के एक पतंग सॉरी पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीद कर। तो सबसे पहले आप देखना अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य क्वेश्चन के अंदर गिवन तो है नहीं। अंकित मूल्य मैंने मान लिया कितना 100, कितना मान लिया 100। अब इस पर 30% छूट पर इसने खरीदा, 30% छूट पर खरीदा तो बताना क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 100 में से 30 माइनस कर देंगे यानी कि 70 रुपये। क्रय मूल्य किसके लिए, श्याम के लिए। जो बेच रहा है उसके लिए तो विक्रय मूल्य बनेगा, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस। श्याम ने खरीदा यानी कि श्याम ने 70 में खरीदा, 100 उसका अंकित मूल्य था। आगे कहता है इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया, इसके अंकित मूल्य के 40% लाभ पर। अंकित मूल्य 100 है, कितने बेच दिया, अंकित मूल्य के 40% लाभ पर। तो 100 पर 40% लाभ कमाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 140। किसके लिए, श्याम के लिए। बेच श्याम रहा है लेकिन उसका जो भी अंकित मूल्य था उस पर बेच रहा है 40% प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 140 हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर कहता है तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 70 है, सेलिंग प्राइस कितना, 140। तो बताना प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट कितना का हुआ, 70 का हुआ। भाई 140 में से 70 माइनस करेंगे 70 हो जाएगा, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना, 70 × 100। ठीक है, 70 कैंसिल हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट जो निकलेगा हमारा कितना निकलेगा, 100% का उसे भाई साहब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना, 100% का। आप देखेंगे हमारा सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, प्रतिशत लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन उत्तम है। तो सबसे पहले भाई हमें इनका सभी का अलग अलग प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। अगर हमारे यहाँ सबका क्रय मूल्य बराबर होता, क्रय मूल्य बराबर होता तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट आंसर इसका दे सकते थे। लेकिन क्रय मूल्य सबका अलग अलग है तो प्रॉफिट परसेंट भी निकालना होगा। तो आप देखेंगे क्रय मूल्य 60 है, लाभ हो रहा 29 रुपये का, तो कितना परसेंट होगा, तो आप देखेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 29/60×100। ठीक है, इसी तरह ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। इसी तरीके से आप सेकंड देखेंगे, 17 रुपये का लाभ है, 40 रुपये पर हुआ है इंटू 100। अरे भाई प्रॉफिट परसेंट तो लिख लो, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने का, 17 का, कॉस्ट प्राइस कितना भाई, 40×100। ये हमारा सेकंड कंडीशन। थर्ड आप देखेंगे 21 रुपये का प्रॉफिट है, 21 रुपये का प्रॉफिट और हमारा जो सेल कॉस्ट प्राइस 50×100। और डी हमारा है, इधर लिख देता हूँ उसे डी वाले को, चलो इधर लिख देता हूँ डी वाले, 14 रुपये का लाभ है और 30 पर हो रहा है इंटू 100। आपको यहाँ से भाई क्या निकालना है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट होगा वहीं कर देंगे भाई साहब। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे उत्तम पूछ रहा है ना, सबसे उत्तम कौन सा, यानी जहाँ पर लाभ परसेंट ज़्यादा होगा वही उत्तम होगा, तो हमें सॉल्व तो करना होगा भाई साहब। तो आप देखें 20 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 20 से आपका 5 बार, तो आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 45, 5 × 2 = 10 और 4 × 14 = 145 / 3, इसे डिवाइड करेंगे, 3 × 4 = 12, 2 = 25, 3 × 8 = 24, 48 एक बचेगा फिर और 3 × 3 = 9 है ना, 48.3% लगभग में आ गया। इसी तरीके से आप देखिए 20 से 2 बार, 20 से आपका 5 बार, 17 × 5 में करें 85 हो जाएगा, 85/2, आप देखेंगे 42. क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे 50 से 2 बार कट जाएगा, ये आपका आया 42%, आप इसे देखेंगे आप कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 140/3, आप देखेंगे 3 × 4 = 12, 2 बचेगा और 20 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और फिर हमारा फिर दोबारा से 46.6%। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं इसी कंडीशन में आपका प्रॉफिट परसेंट सबसे ज़्यादा है, यानी आपके लिए यही उत्तम होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखना एक बार चेक कर लेना, मैंने इसे मिटा दिया, कौन सा, फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 184 क्या है। तो देखेंगे आप 184 भी कई क्वेश्चन इस टाइप के हम कर चुके हैं, कई क्वेश्चन हम इस टाइप के कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 184 क्या दिया, एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैंने बताया दो ही सेलिंग प्राइस बनते हैं, दो ही कॉस्ट प्राइस, कहाँ से पहचान होती है, आप देख रहे हैं
एक बार 10% लाभ पर बेचा जा रहा है और एक बार 20% लाभ हो रहा है, तो दो विक्रय मूल्य बन गए। आप देख रहे हैं 5% कम कर दिया जाए तो दो क्रय मूल्य यहाँ से बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ध्यान समझो, परेशान मत हो। जैसे क्रय मूल्य हमें नहीं पता तो मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया भाई से कितना 100। ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया 100। अब इसे 10% लाभ पर बेचा जा रहा है तो बताना सेलिंग प्राइस कितना होगा। भाई 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110 होगा, यानी कि 110 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आए करें यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, क्रय मूल्य मैंने कितना माना 100 माना, 5 कम कर दिया जाए तो बताना अब जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 95, क्योंकि 5% कम कर दिया। अब ये कह रहा है तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता, यानी पहले कितने बिक रहा था 110, अब 7 में अधिक बिकता है। तो भाई साहब डायरेक्ट 7 ऐड मत कर देना, क्योंकि देखो ये मैंने अपनी तरफ से माना है और ये 7 हमारा वास्तविक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे ध्यान से देखना। अब देखना 95 हो गया, अब 20% का लाभ हो रहा है, तो मुझे बस इतना बताइए अब जो प्रॉफिट होगा 20% का वो कहाँ पर होगा। भाई हमारा नया जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना, ये हमारा न्यू जो कॉस्ट प्राइस है वो कौन सा 95 है, तो प्रॉफिट जो होगा वो इसी पर होगा भाई, कितने का 20% का। तो बताना सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 95, 20% का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 95 × 120/100। आप देखिए 20 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 से आपका 5 बार और 5 से आपका 19 बार कैंसिल हो जाएगा। सेलिंग प्राइस आपका निकलेगा 19 × 6 यानी कि 114, कितना 114। हमारा जो सेलिंग प्राइस है अब कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया अब 114, कितना होगा 114। कॉस्ट प्राइस हो गया 95, सेलिंग प्राइस पहले था 110, अब हो गया 114। क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना, इसी के हिसाब से बताना 100 के साथ जो मैंने माना पहले से उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना ज़्यादा हो गया, पहले 110 अब 114, कितना ज़्यादा होगा 4 ज़्यादा हो गया, कितना भाई 4 ज़्यादा हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन सही एकदम, 6 × 54 = 6 × 4 = 5 ठीक है, पहले से कितना ज़्यादा होगा 4 ज़्यादा हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहता है 7 रुपये अधिक बिकता है, यहाँ 4 रुपये ज़्यादा बिक रहा है लेकिन क्वेश्चन के अंदर 7 ज़्यादा है। ये मैंने अपनी तरफ से माना हुआ, वास्तविक नहीं है लेकिन वास्तविक कितना 7 है, तो इन दोनों का कंपेयर कर देंगे, यानी 4 की जो वैल्यू बनेगी, 4 की जो वैल्यू बनेगी वो 7 बनेगी, कितने 7 रुपये। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे 7/4। अब क्वेश्चन के अंदर 1 की वैल्यू हमारी निकल है, क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछता है इस 1 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करके हम वास्तविक संख्या उसकी निकाल सकते हैं, यानी जो भी पूछा गया क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वास्तव में जो क्रय मूल्य था वो कितना था 100 था, यानी कि वास्तव में जो क्रय मूल्य वो कितना 100। 1 की वैल्यू जो निकली 100 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7/4 से मल्टीप्लाई, 4 से आपका 25 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 175 रुपीज़। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, और इस टाइप के क्वेश्चन भाई आप अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लें, सच बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर आ जाता और क्वेश्चन हमसे ये फंस जाता, हमारी समझ में नहीं आता है ना, तो फंसना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 185। एक विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशा करता है, एक दिन यदि एक दिन में उसकी बिक्री 528 थी तो उसकी लाभ राशि क्या थी। 32% प्रॉफिट की आशा करता है, 32%, इसे सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप देखें कितना हो जाएगा 32/100, यानी कि 4 से 8 बार कैंसिल, 4 से 25, यानी कि 8/25। क्या हमारा है 32% प्रॉफिट, तो हमारा ये क्या बनेगा प्रॉफिट बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा कॉस्ट प्राइस। तो बताना यहाँ इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा, कॉस्ट प्राइस कितना 25, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई 8 का प्रॉफिट है 25 कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, यानी 25 के अंदर 8 और ऐड कर देंगे यानी कि 33 हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर जो भी दे रखा हो अब सीपी दिया तो सीपी से तुलना कर दें, एसपी दिया तो एसपी से तुलना कर दें। क्वेश्चन के अंदर यदि एक दिन में उसकी बिक्री 528 थी, बिक्री यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 528 है, यहाँ कितना 33, यानी कि 33 की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 528। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे 528/33, तो आप देखेंगे 33 से डिवाइड करेंगे, 33 × 33 कितना बच जाएगा 5, 12 में से 3 जाएगा 9 बच जाएगा, दो बार तो जाएगा नहीं भाई, और 4 में से 3 गया 1, 90 और 98,
198 यानी कि 6 बार और कैंसिल हो जाएगा। आप जब इसे इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 60। 1 की वैल्यू 60 निकल आई। अब क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछे इस 1 की वैल्यू का आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर इसका कॉस्ट प्राइस पूछता है, क्रेमूल पूछता है, तो इस 25 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, यहां से कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। लेकिन हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया उसका लाभ कितना है ना, हमसे पूछा गया उसकी लाभ राशि क्या। तो आप देख रहे हो प्रॉफिट कितना है हमारा, 8 है। प्रॉफिट कितना, 8 है। आप या फिर आप यहाँ से भी दे सकते हैं, 33 माइनस 25 तब भी कितना, 8 होगा। प्रॉफिट कितना, 8 है। यानी 1 की वैल्यू जो निकली यहाँ 16 के अंदर, 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 48, 8 एक 8 है 4 है, यानी प्रॉफिट जो होगा कितना होगा, 128 रुपीज़ का होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई सर, या आप इसे बेसिक से भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 185 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हम देखें अगला क्वेश्चन, 186 और 186 हमारा क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए उसको 15% के नुकसान पर बेच दे, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना। सर बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य कितना 1400 रुपये, कितनी हानि पर बेच रहा है भाई, 15% के नुकसान पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई सर, सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, 15% की हानि हो रही है, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे 85/100। आप ऐसे सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि बता देता हूँ इसका सी ऑप्शन है, कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है, सी ऑप्शन है, कैलकुलेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 187, एक उत्पाद की क्रय मूल्य का 10% 124.80 है, यदि उत्पाद 15% की हानि पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान समझना, ये 1245.80 है, ये क्रय मूल्य का 10% है, क्रय मूल्य का 10% है, यानी क्रय मूल्य का 10% है, 10% की वैल्यू 1245.80 है, ठीक है, यही है। एक बार चेक कर लेता हूँ किधर गया, 1245.80 बिल्कुल ठीक है। हमें निकालना है 100%, 100% कैसे निकलेगा भाई, 100% अगर निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। 100% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा, कि क्वेश्चन के अंदर बोला क्रय मूल्य का 10% हमारा ये है, तो अगर हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। 100% कैसे निकलेगा भाई, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 10 से इधर भी कर देते हैं, अगर 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा, और इधर करेंगे 10 से तो हो जाएगा 1245.80 × 10, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा ये 1245.80 और एक जीरो और ही हो जाएगा। पॉइंट के बाद हमारे कितने अंक है, दो अंक है, यानी दो अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा 1, 2, यानी कि पॉइंट के बाद अब जीरो कोई मतलब नहीं रहा, यानी 12,458 रुपये हमारा क्या निकला, क्रय मूल्य निकल आया। अब इसे 15% की हानि पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य कितना, 12458 × 15% की हानि पर, यानी कि 85/100 भाई। इससे भी आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है, जो भी होगा आपका आंसर होगा कैलकुलेट होने के बाद, यानी कि इसका भाई साहब फर्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन निकटतम आ रहा भाई साहब, पॉइंट में आए आंसर आपका, तो उसे निकटतम देख लेना किसके निकटतम है, ठीक है, पॉइंट में आएगा तो देख लेना किसके निकटतम है, बिल्कुल परेशान मत होना कि हमारा पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट में आएगा कोई दिक्कत है, उसके निकटतम देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला निकटतम रुपये में पूर्णांकित करें। चलिए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 188, श्याम ने 375 रुपये प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने, 375 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन की जो कीमत है वो कितनी है, कितनी भाई साहब, 375 रुपीज। आय कहता है प्रत्येक खिलौनों को उसने 33 रुपये की दर से बेच दिया, उसके लाभ का प्रतिशत कितना है, उसके लाभ का प्रतिशत 33 रुपये की दर से प्रत्येक खिलौनों को, एक खिलौना उसने कितने में बेचा, एक खिलौना कितने में बेचा, उसने कितने बेचा, 33 रुपीज में, 33 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 33, एक खिलौने की कीमत कितनी, 33। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, एक खिलौने का विक्रय मूल्य 33 रुपये, अगर मैं यहाँ से एक खिलौने का क्रय मूल्य निकाल लूँ तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एक दर्जन खिलौने
375 रुपये की। एक दर्जन का मतलब क्या है, यानी कि एक दर्जन में हमारे कितने होंगे खिलौने, 12 खिलौने। 12 खिलौने का जो मूल्य है वो 375 रुपीज़ है। यहाँ से हम एक खिलौने की कीमत निकाल लेते हैं। एक खिलौना आप देखेंगे कितना हो जाएगा भाई, से एक खिलौने की कीमत 12 से डिवाइड कर देंगे, 375/12। अब हमें देखेंगे इसे सॉल्व हो जाएगा ये पॉइंट में आएगा भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं। 12 दिया 36, एक बचा 15 हो जाएगा, 12 एकम 12, फिर कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 12 दूनी 24, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60। 31.25 रुपीज उसका क्या निकला, कॉस्ट प्राइस निकला। सेलिंग प्राइस कितना 33 है, कॉस्ट प्राइस कितना 31.25। हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट, तो आप देखेंगे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से पहले तो कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होगा, यानी प्रॉफिट हुआ कितना। तो 33 में से 31.25 को माइनस करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, ऊपर जीरो कर लेंगे भाई, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, है ना, 1.75। ठीक है भाई सर, 1.75 का प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना 31.25। ये तो भाई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदे हो गए, इनटू 100, क्यों क्यों आंसर परसेंट मांग रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, कैलकुलेशन भाई गड़बड़ कर सकती है यहाँ पर। आप देखें पॉइंट के बाद दो अंक हमारे यहाँ भी हैं, तो पॉइंट से आपका पॉइंट हट जाएगा, 25 से कैंसिल करिए हो जाएगा, 25 एकम 25 कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 62 हो जाएगा, 25 दूनी 50, ठीक है रुकना 25 एकम 25 कितने हो गए, 6 बचेंगे 62, 25 दो 50, 12 बचेंगे 125, 25 से फिर 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 आपका 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 आपका 5 बार कैंसिल, 25 आपका 4 बार कैंसिल, बस अब नहीं होगा। 7 × 4 यानी कि 28/5%, 28/5। आप देखेंगे इस तरीके से पॉइंट दे रहा है, पॉइंट में आ रहा है क्या, किधर गया हमारा 188 है ना, हाँ पॉइंट में आ रहा भाई साहब, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 से डिवाइड करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो ध्यान रखना, अगर आपको 5 से डिवाइड करना हो, कितना भी बड़ा नंबर हो 5 से डिवाइड करना हो, तो आप ऊपर वाले नंबर को डबल कर दें, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, डबल करके 56, और एक अंक के पहले पॉइंट लगा दे पास, ये डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा 5.6%। 5 से डिवाइड करना हो तब के लिए बता रहा हूँ, सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 से जिस नंबर को भी डिवाइड करना हो उस नंबर को डबल कर लें, और डबल करने के बाद उसके एक अंक के पहले पॉइंट लगा लें, बस वही आपका 5 से डिवाइड होने के बाद मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 189, एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर, कितना 1920 में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत, उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर, 1280 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है, वस्तु को कितने लाभ में बेचा जाए, सॉरी कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% लाभ हो सके, 25% लाभ हो सके। भाई साहब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो आपको ज़रूर याद आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब, जैसे आप देख रहे हैं एक विक्रय मूल्य आपका ये और एक विक्रय मूल्य, दो विक्रय मूल्य, लेकिन यहाँ बताया इसे बेचने पर तो लाभ हो रहा है और इतनी कीमत पर बेचने पर हानि हो रही है, लेकिन यहाँ दोनों बताया कि जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों को दोनों बराबर हों, या फिर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों को दोनों बराबर हों, तब उस कंडीशन में अगर कॉस्ट प्राइस निकाला जाए तो किस तरीके से निकालते हैं, बताया था, अगर ध्यान हो तो ज़रूर याद आ जाना चाहिए। तो देखना, मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों को दोनों बराबर हों, या फिर प्रॉफिट और लॉस दोनों को दोनों बराबर हों, उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो भी दोनों सेलिंग प्राइस हैं उन्हें ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद उसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप देखिए हो जाएगा 0, 8 और 2 10, 9 और 2 11 और 1 12 और 1, सही है ना, 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 और 9 11 और 1 12 और 1 और 2 और 1 3, 3200/2, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो निकला वो कितना निकला, 1600। अब ये पूछ रहा किस मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का प्रॉफिट हो, इसका बेसिक बताया था लेकिन अब मैं अब यहाँ पर बेसिक नहीं बताऊंगा भाई साहब। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1600 × 125%, 25% लाभ पर बेच रहा, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा
16 से गुणा करेंगे 5, 16 पंजे 80, 16 दिन 32, 32 8 हो जाएगा 40, 16 कम 16, 16 और 4 हो जाएगा 20, यानी कि 2000 रुपये होना चाहिए। अगर मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन के अंदर कुछ था? कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा होगा भाई सर? अगला क्वेश्चन है आपका 190। ये कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपये में बेचकर अपनी लागत के 1/6 भाग के रूप में पाता है, लाभ के रूप में पाता है। तो आप देखें क्वेश्चन थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैं, इसने बोला लागत के, इसे क्वेश्चन लैंग्वेज क्यों लिख रहा है कुछ समझाना भाई। हालांकि मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से पहले भी समझा चुका हूँ, 1/6 भाग लाभ के रूप में, बस इतना ही रहने दो। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूँ कि बताना भाई साहब आपका लागत मूल्य क्या होगा और लाभ क्या होगा। क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन समझ, लागत के 1/6 भाग लाभ के रूप में प्राप्त करता है, आगे मैं लिखा नहीं, बस इतना ही समझिए। मैं आपसे यहाँ पूछूँ बताना लागत मूल्य कितना होगा और लाभ कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना भाई साहब, आज के बाद कई भूलोगे नहीं। हालांकि इस चीज़ में कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आज भी, आगे तो समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे फ्रैक्शन हमारा कितना 1/6 है, इसके पहले का की के साथ सी से कुछ भी हो उसे देख लीजिए, का की के साथ सी से जो भी हो उसे देखो, और इस का की के से पहले क्या लागत मूल्य है, क्या है भाई साहब लागत मूल्य, यानी नीचे वाला जो नंबर होगा, नीचे वाला जो नंबर होगा आपका वो लागत मूल्य होगा। क्या होगा? लागत मूल्य। इसे कनेक्ट करना, का की से पहले जो भी है नीचे वाला नंबर उसी की वैल्यू बनेगी, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे, क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब ऊपर वाला जो नंबर बचा इस क्वेश्चन के अंदर, जो भी बचा ऊपर वाला नंबर उसी की वैल्यू बन जाएगी, क्या बचा? लाभ बचा, यानी ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 6 है और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना 1 है। अगर मैं आपसे यहाँ सेलिंग प्राइस पूछूँ तो वो भी बता देंगे आसानी से, कॉस्ट प्राइस 6, प्रॉफिट 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 7। बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ आखिरकार क्या दिया है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर बोला है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपये में बेचकर सेलिंग प्राइस 161 दिया, सेलिंग प्राइस 161 दिया। क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस कितना है भाई साहब? देखना 7 है, यानी कि 7 की वैल्यू 161 बन जाएगी। आप यहां से प्यारे 1 की वैल्यू निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 21, 1 की वैल्यू मेरे भाई साहब कितनी निकलेगी? 23 रुपये। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है वस्तु का लागत मूल्य क्या, कॉस्ट प्राइस क्या। आप देखना लागत मूल्य कितना 6, 1 की वैल्यू जो भी निकल का ये मल्टीप्लाई कर दिए 6 × 6 × 23 यानी कि 6 × 18 और 6 × 2 = 12 और 1 = 13 यानी कि 138 रुपीज़। कितना? 138 रुपीज़। आप देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा भाई साहब? अगला क्वेश्चन हमारा होगा 191। आगे समझ भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 191 कहता है एक वस्तु को 4% लाभ और 8% लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। ध्यान से देखना, क्रय मूल्य हमें नहीं पता, क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, क्रय मूल्य कितना मान लिया 100, तो बताना सेलिंग प्राइस दोनों क्या होंगे, एक बार 4% लाभ, एक बार 8% लाभ, तो सेलिंग प्राइस बनेगा 104 और 108, यही बनेगा भाई साहब। क्वेश्चन के अंदर बोला कि दोनों के विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, यहाँ 3 रुपये का कोई भी रोल नहीं है। रोल क्यों नहीं है, ध्यान से समझा। हालांकि आप ऐसे यूज करना चाहे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यूज क्यों नहीं, क्योंकि आंसर मेरा जो आ रहा है वो रेशियो में आ रहा है। जब रेशियो में आ रहा है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता कि बताना भाई साहब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, या आपसे पूछता उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तब आप इसे यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब रेशियो में है तो इसे यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमें आंसर रेशियो में चाहिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। आप देखें 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 52, 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका 54, अच्छा और भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल डायरेक्ट हो सकता था ना, कोई बात नहीं, 2 से एक बार और कर दिए 26 और 2 से डिवाइड हो जाएगा 27, यानी कि दोनों सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा 26:27, मेरे प्यारे इसका आंसर हो जाएगा भाई साहब डी ऑप्शन।
26 और 27 कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 92 कहता है, एक दुकानदार ने 20 दर्जन खिलौने 1.25 रुपये प्रति की दर से खरीदे, 10 खिलौने रास्ते में टूट गए, उसने शेष 2 रुपये की प्रति दर से बेचे, उसका लाभ पैसा कितना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 दर्जन खिलौने और मैं कह रहा हूँ केले, 20 दर्जन खिलौने 1.50 प्रति की दर से, यानी एक खिलौना उसने 1.5 रुपये में खरीदा, 1.5 में एक खिलौना, ये हमारे 20 दर्जन है। तो 20 दर्जन में कितने खिलौने होंगे, एक दर्जन 12 होता तो 20 दर्जन में कितना होगा, यानी कि 240 दर्जन उसने खरीदे। तो बताना 240 दर्जन नहीं 240 खिलौने, मैं आपसे पूछूं 240 खिलौनों का क्रयमूल्य कितना होगा, तो आप देखिए 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक खिलौने की कीमत 1.5 तो 240 से कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देखिए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 दूने 30, 30 और 6 36 हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी एक अंक के पहले पॉइंट, यानी कि 360 रुपये का। क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे प्यारे, क्वेश्चन में बोला गया कि 10 खिलौने रास्ते में टूट गए, तो बताना 240 टोटल थे, 10 टूट गए, तो शेष खिलौने जो बचेंगे भाई साहब बताना कितना बचेगा, यानी कि 10 माइनस कर देंगे यानी कि 230 बचा। अब इन 230 के लिए इसने 2 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच दिया, 2 रुपये प्रति खिलौने की दर से, तो बताना सेलिंग प्राइस कितना हुआ, यानी 230 × 2 आप देखेंगे 460 रुपये इसका क्या निकलेगा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप देखिए प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितने का, भाई 36 ही लिख के छोड़ दिया मैंने, 360 है ना, 360 रुपये है ये, ऐसी गलतियां बहुत करता हूँ मैं ना, कोई बात नहीं, 360 आपका क्रयमूल्य है, विक्रयमूल्य आपका 460, तो बताना प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 460 में से 360 माइनस कर देंगे प्रॉफिट कितना हुआ 100 का, प्रॉफिट होगा 100 का अपॉन कॉस्ट प्राइस आपका 360 × 100, यहाँ से हमारा क्या निकला प्रॉफिट परसेंट निकला, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से आपका ये 50 हो जाएगा, 2 से आपका 9 बार कैंसिल, 2 से आपका ये 25 बार, 25 गुणा 10 में करेंगे यानी कि 250 डिवाइड बाई 9% हो जाना चाहिए, देखना इस तरीके से है या फिर हमारा पॉइंट हमारा आंसर, अरे भाई सर डिवाइड करना ही पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, तो आप देखेंगे 9 के दूने 18, 7 बचेंगे 70 हो जाएगा, और 9 7 63 फिर 70 हो जाएगा, 27.7%, देखना कोई ऑप्शन है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। ठीक है, बताओ क्वेश्चन कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो भाई साहब बार बार बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस आप करते रहें भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सच बता रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं मैथ पढ़ने का, और मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट हो यार प्रैक्टिस तो चाहिए ही होती है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्याम 1200 रुपये क्रयमूल्य की एक जोड़ी जूते को किस विक्रय मूल्य पर बेचे ताकि 16% छूट देने के उपरांत उसे 12% का लाभ प्राप्त हो सके। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, यहाँ आपका क्वेश्चन होना चाहिए श्याम 1200 रुपये क्रयमूल्य के एक जोड़ी जूते को जूते पर कितना अंकित मूल्य करे ताकि 16% छूट देने के उपरांत भी 12% का लाभ हो, कितना मूल्य अंकित करे कि छूट देने के बाद भी लाभ प्राप्त हो। मैंने आपको बताया था छूट देने के बाद भी अगर प्रॉफिट प्राप्त होता है तो वहाँ पर हम सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशो निकाल लेते हैं, कैसे, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट आपका सीपी हो जाता है और 100 प्लस प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है एमपी हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे आप 16% की छूट है और 12% का प्रॉफिट है, 16 की छूट यानी कि 16 माइनस कर देंगे 84 हो जाएगा, और हमारे यहाँ कितने का लाभ हो रहा है 12% का प्रॉफिट है, तो ये कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आपका हो गया 84 और अंकित मूल्य होगा कितना 112। इसे सॉल्व कर लें भाई, और छोटा हो जाएगा 4 से 21 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 21 और ये 4 दूनी 8 3 बजे 4 8 32 28 और भी कैंसिल हो जाएगा 7 से 3 बार 7 से 4 बार, यानी क्रय मूल्य आपका आया 3 और आपका अंकित मूल्य आया 4। क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य दे दिया कितना, क्रमूल कितना दिया 1200 दिया, 1200 है ना, बिल्कुल क्रमूल दिया 1200 है, 3 की वैल्यू 1200 हो जाएगी, आप यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे 400 हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी 400। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा अंकित मूल्य पूछा, करेक्शन कर लेना, अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य कितना होगा 4, यानी इस 4 के अंदर इस 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देखिए आंसर आपको मिलेगा कितना 1600 रुपये, कितना 1600 रुपये, ये सिंपल सा क्वेश्चन था भाई साहब, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 195। देखना भाई कैसे करेंगे, कोशिश करिएगा,
195। पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लिया हो आपने, मैं ही पढ़ लेता हूँ भाई। क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया, यदि उसने इस वस्तु को 20% कम पर खरीदा हो तो कौन सा क्वेश्चन है? अभी हमने जो किया था क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब? 184। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते तुरंत आपको समझ आ जाना चाहिए। क्रेमुल पूछा, क्रेमुल हमने मान लिया कितना? 100। क्रेमुल कितना मान लिया? 100 मान लिया। अभी 10% लाभ पर बेच रहा है, तो बताना विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई? क्रेमुल 100, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 10% लाभ पर है, यानी कि 110 हो जाएगा। अब ये कह रहा है 20% कम मूल्य पर खरीद कर, यानी 20% कम पर खरीदेगा तो अब जो नया कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 100 में से 20 माइनस कर देंगे यानी 80 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? क्रेमुल मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर कहता है, इसे 20% कम मूल्य पर खरीद कर 10 रुपये अधिक विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता, तो बताना अब जो सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा नया वो कितना होगा? प्रॉफिट किस पर कमाएगा? इस पर कमाएगा, नया जो हमारा क्रय मूल्य है, ये नया जो सेलिंग प्राइस होगा 80 इंटू कितना प्रॉफिट है? 40% का, तो सेलिंग प्राइस होगा 140/100। ये तो पता होना चाहिए भाई, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालना है बेसिक फॉर्मूले से, आप देखेंगे कैंसिल हो जाएगा। आप सेलिंग प्राइस आप यहाँ से देखेंगे 8 × 4 = 32, 8 × 8 = 3 = 11 है ना, कितना होगा? 112, ठीक है। 112 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, पहले था 110 और अब हो गया कितना? 112। पहले से कितना ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस? 2 ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे पहले से 10 रुपये अधिक में बेचता है, पहले से 10 रुपये अधिक विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहले हमारा 110 था, अब हो गया 112, इसके हिसाब से हमारा 2 ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो वास्तविक विक्रय मूल्य पर जो बेचा गया कितने रुपये ज़्यादा? 10 रुपये अधिक पर, यानी इस 2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 10 रुपये बन जाएगी। आप 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 5 रुपये। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे जो पूछा है 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य कितना? 100, यानी इस 100 के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर मेरे भाई साहब कितना आएगा? 500 रुपये। बस ये क्वेश्चन है भाई साहब का, 500 रुपये, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 196। ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं भाई साहब। 196 क्वेश्चन के टाइप को पकड़ लीजिए आप, है ना, और पकड़ तभी पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं, जो अभी कराया है मैंने वो, और जो आगे करने वाले हैं वो भी, यानी 196 के भी कई टाइप कर चुके हैं। एक रबर का मूल्य 25% घटाने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 अधिक रबर का क्रय कर पाता है, 1 रुपये में कितने रबर प्राप्त होंगे? अब ध्यान से समझना, पहले भी 1 रुपये में खरीद रहा था और अब भी 1 रुपये में ही खरीदना चाह रहा है। पहले भी 1 रुपये में खरीद रहा था और अब भी 1 रुपये में ही खरीदना ये चाह रहा है, लेकिन कीमत पहले से 25% कम हो जाती है, जिसकी वजह से 2 रबर अधिक क्रय कर पाता है पहले से। क्यों? क्योंकि कीमत हो गई सस्ती। तो ध्यान रखना, जब आपका कुल खर्च में चेंज ना हो, या फिर बोले कुल कीमत में चेंज ना हो, या फिर बोले जितने में खरीद रहा हो उतने में ही बेचे, या फिर कहें पहले जितने में खरीद रहा अब भी उतने में ही खरीदे, सारे के सारे टाइप एक ही हैं, उस कंडीशन हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो आपकी कीमत है उसे चेंज करते हैं, और कीमत कितनी भाई? 25% ऐसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आप देखेंगे 1/4 हो जाएगा। क्या हो रही? घट रही है, यानी ये घटने वाली हो जाएगा हमारी, ये हमारा घटा और ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि पहले कीमत हमारी 4 थी, 1 की कमी हो गई, यानी अब कीमत हो गई 3, यानी ये हमारे प्राइस का रेशो निकल आएगा, कीमत का रेशो निकल आएगा। किसका? कीमत का रेशो। ध्यान रखना टाइप यही होना चाहिए, कीमत चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ये जरूरी 1 रुपये हो, कुछ भी हो, अगर ये 100 तो यहाँ भी 100, यहाँ 50 यहाँ 50, यानी सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे आपको क्या करना है? कीमत निकाल ली, कीमत का रेशो, अब हमें इसकी मात्रा का रेशो, क्वांटिटी का रेशो, या फिर बोले रबर दे रखे, रबर की संख्या, तो रबर की संख्या कैसे निकालेंगे? ये जो आपकी कीमत का रेशो, इसे पलट देंगे, 4:3 है, यानी कि 3:4 कर देंगे, यानी कि ये आपके पहले और ये आपका बाद में, यानी कि जब कीमत में कोई चेंज नहीं था तब आपका 4 था, और जब कीमत में चेंज हो गया तो हमारा 3 हो गया, और ये हमारे रबर की जो संख्या है, ये हमारे रबर की जो संख्या है, जब कीमत में कोई बदलाव नहीं था तो 3 था, और जब रबर में
25% कीमत में कमी आ जाती है तो रबर कितनी होगी, 4। ये हमारे रेशियो के हिसाब से वास्तविक नहीं है, तो बताना, मैं रेशियो के हिसाब से पूछूं, बताना पहले से ये कितनी ज़्यादा खरीद पाएगा रबर। तो आप देखें पहले 3 खरीद, अब 4 खरीद रहा है, पहले से आप देखें 1 ज़्यादा खरीद पाएगा, कितनी, 1। अब क्वेश्चन के अंदर जो भी जितनी ज़्यादा जितनी कम खरीद रहे हैं तुलना कर दें, आप देख रहे हो 2 अधिक खरीद रहे हैं, यानी कि 1 की वैल्यू होगी 2। अब ये 1 की वैल्यू 2 जो निकल के आई, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से आपकी वास्तविक रबर की संख्या निकल आएगी। इस 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, इस 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, यानी पहले खरीद रहा था वो 1 रुपये में 6 और अब खरीद पाएगा 1 रुपये में 8। आप देख रहे हैं पहले से कितनी ज़्यादा खरीदा, 2 खरीदा। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या, 1 रुपये में कितने रबर प्राप्त होंगे, यानी 1 रुपये में पहले कितने खरीद रहा था, तो आप देख रहे हैं 6 खरीद रहा था, अब कितने खरीदा, 8 खरीद रहा, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या होने, क्या पूछा, कितने रबर प्राप्त होंगे, यानी कि 2 की वृद्धि हो, यानी इसका वैसे 8 आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर इसका 6 दिया है भाई, से 6 दिया है। तो क्वेश्चन की थोड़ी सी भाई लैंग्वेज भी थोड़ी सी गड़बड़ इसमें हो सकती है, क्योंकि इसने पूछा 1 रुपये में कितने प्राप्त होंगे, अब कितने प्राप्त होंगे, इसका मतलब 2 की वृद्धि हो जाएगी, पहले 6 हो रहे थे अब कितने होंगे, 8 होंगे, लेकिन इसका आंसर 6 दिया, यानी कि पहले वाले का दिया है, पहले वाले का पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब। चलिए अब हम देखें अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन होगा हमारा 197 कहता है, एक सामान को एक निर्दिष्ट मूल्य में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का प्रॉफिट होता है, तो बताना यहाँ से CP और SP का रेशियो क्या होगा, या तो आप फ्रैक्शन से चेंज कर लें, या आप डायरेक्ट 100 मानकर कर सकते हैं। अगर 100 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कितना 110, क्योंकि 10% लाभ पर बेच रहा है, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकला, 11। कोई दिक्कत नहीं, जब आप फ्रैक्शन चेंज करेंगे तभी आपका यही निकल के आएगा। क्वेश्चन के अंदर कहता है उसी सामान को दुगने मूल्य में बेचने पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, दुगने मूल्य पर, अभी कितने बेच रहा है आप देख रहे हैं, 11 में बेच रहा है, दुगने मूल्य पर बेचा जाए तो आप देखें कितने में बेचेगा, 22 में बेचेगा। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा अब कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस में तो कोई परिवर्तन नहीं, सेलिंग प्राइस आपका 22 होगा, नया जो सेलिंग प्राइस है आपका, न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, 22। कॉस्ट प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 22 में से 10 को माइनस करेंगे आप देखेंगे प्रॉफिट होगा 12 का, प्रॉफिट 12 है, कॉस्ट प्राइस आपका 10 है, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, आप देखेंगे 0 कैंसिल हो जाएगा, अब 12 × 10 यानी कि 120% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा 120% का प्रॉफिट होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपका कहता है 198, ये कहता है एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाए जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, पहले बेच रहा था वो 40% हानि पर, पहले बेच रहा था 40% हानि पर, अब 125 वृद्धि कर दी जाए तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, अब हो रहा है लाभ। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन भाई साहब कर चुके हैं पहले, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो दोनों को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट की बात करें तो माइनस कर देते हैं, अगर लॉस लॉस की बात करें तब भी माइनस कर देते हैं। यहाँ कौन सी कंडीशन है हमारी भाई साहब, बहुत पटाखे चलना आजकल ना, डरा देते हैं, सच बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलिए डिस्टर्ब हो रहा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि बच्चे भाई कैसे मना करें उनसे, कोई बात नहीं, क्या बता रहा था मैं, कौन सी कंडीशन हमारी, हानि और लाभ वाली, प्रॉफिट और लॉस की, तो आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन हमारी है, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 पॉइंट। अब क्वेश्चन के अंदर जितना अधिक या जितनी कमी हो गई विक्रय मूल्य में वो देख लीजिए, 125 की वृद्धि हो जाती है, 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। आप यहाँ से भाई से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 125/50%। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा ना, क्वेश्चन के अंदर जल शोधक का क्रय मूल्य पूछा, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी, आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लिया, फिर बोले 1% निकाल लिया, आपको 100% चाहिए, ठीक है, 1% इतना, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी 100 के अंदर आपको इस 125/50 से मल्टीप्लाई कर देना, वो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 125 यानी कि 250 रुपये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 250 रुपये यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 199, तो आज इसके अंदर हम 200 क्वेश्चन भाई कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, कितने 200।
199 कहता है एक दुकानदार 10% की छूट देकर भी 5% लाभ प्राप्त करता है तो उसने अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य किया। छूट देने के बाद ही प्रॉफिट कमा रहा है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए सीपी और एमपी का रेशियो यानी कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। 10% छूट है, 100 में से 10 माइनस करते 90 हो जाएगा, 5% का लाभ है, 100 और प्लस 5 105 हो जाएगा। आप ऐसे कैंसिल करेंगे 5 से आपका 18 हो जाएगा, 5 से आपका कितना हो जाएगा, 5 से आपका 21 हो जाएगा, 18:21 और भी कैंसिल हो जाएगा, अच्छा और भी कैंसिल हो जाएगा, अच्छा भाई साहब चलो कर दीजिए 3 से 6 बार और 3 से 7 बार 6:7। क्वेश्चन के अंदर पूछा उसने अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया। क्रय मूल्य कितना 6, विक्रय मूल्य कितना 7, कितना अधिक अंकित कर रहा भाई देखना, ये 6 था क्रय मूल्य, 7 अंकित कर दिया, कितना अधिक 1 अधिक कर रहा, कितना अधिक 1 अधिक अपॉन किससे कर रहा है अधिक, 6 से अधिक कर रहा है, जिससे भी अधिक कर रहा है उसे नीचे लिख दें इनटू 100। आप इसे सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा मेरे प्यारे 16 2y3 16 सही 2/3% यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपका भाई सिंपल, वेरी सिंपल है ना, हार्ड होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है क्यों। 200 का था 144 पेंसिलें 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई यानी कि 22.50 रुपये प्रति दर्जन, 22.50 रुपये प्रति दर्जन, या फिर बोलें 22.50 रुपये में एक दर्जन, एक दर्जन का क्या मतलब है यानी कि 12 क्या है पेंसिल है, यानी कि 12 पेंसिल खरीदी गई। आय कहता है यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये प्रति दर की दर से बेची जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा। परसेंट में आंसर आ रहा तो 144 का कोई रोल नहीं रहता, 12 पेंसिल का आपको क्रय मूल्य मालूम है, अगर हम 12 पेंसिल या फिर एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल लें, 12 पेंसिल सॉरी दे रखा है, अगर आप यहाँ से एक पेंसिल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं और एक पेंसिल का उसके अंदर विक्रय मूल्य दे दिया है तब सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 12 पेंसिल क्रय मूल्य है 12 पेंसिलों का आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। जैसे आप देखेंगे एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वो 2.25 है, 2.25 तो 12 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12 पेन का, 12 पेंसिल का 12×5=60, 12×2=24 36 और 12×2=24 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 ठीक है, एक बार देखो 12×5=60, 12×2=36 है ना 30/27 ठीक है, 0.2 अंक यानी कि हो जाएगा 27 रुपीज़ आया 12 पेन का विक्रय मूल्य। देखो भाई साहब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें निकालना हो, सॉरी प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो आपको जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता है उतनी ही वस्तुओं का आपको क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए, या फिर ऐसे कहें जितनी वस्तुओं का आपके पास क्रय मूल्य है उतनी वस्तुओं का आपके पास विक्रय मूल्य भी होना जरूरी है। तो यहाँ मेरे पास 12 पेंसिल का क्रय मूल्य था इतना, तो मैंने 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य निकाले, लेकिन यह जरूरी नहीं कि 12 का ही निकाले, आपका जो मन करे एक पेन का निकाल लो, दो पेन का निकाल लो, कहने का मतलब है जितने पेन का आपके पास क्रय मूल्य है उतने पेन का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अगर आप 144 का निकालेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी क्यों करें, मैंने अपने एक दर्जन का निकाल लिया 12 का निकाल लिया ठीक है। आप देखिए 22.50 में खरीदा और 27 में बेच रहा है तो बताना प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट कितना हो रहा है तो आप देखिए 4.5 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, इसमें से इसे माइनस कर देंगे 4.5 का प्रॉफिट किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट पर 22.5 × 100 ठीक है, यही हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप देखेंगे सॉरी 45 से कैंसिल हो जाएगा सीधा 5 से, 5 से आपका कैंसिल हो जाएगा 20, यानी प्रॉफिट परसेंट जो होगा आपका कितना हो जाएगा 20%, कितना 20%, बस कंप्लीट, क्या है कुछ नहीं तो आप देखेंगे कौन सा हो गया सी ऑप्शन। चलिए तो कैसी लगी क्लास आज आपको भाई, और क्लास अच्छी लगनी चाहिए, और अच्छी लगी है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है और उनसे सब्सक्राइब भी कर पाना है ठीक है। तो फिर आज आपसे विदा लेते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, और इसकी अंतिम क्लास भी होगी और क्लास होगी 10, तो तब तक के लिए आप सभी के लिए भाई टाटा और बाय बाय ठीक है।